Now next one is session we just discuss करेंगे in details about mutable and immutable objects in Java. Just previous session में discuss किया था strings क्या हैं. Strings are immutable objects in Java. इसे generally जरूरी नहीं कि mutable और immutable property only string class के लिए apply होगा. आप किसी भी user defined class के objects को ऐसा immutable या mutable property provide करना आपके लिए possible है. For example इस case में मैंने दोनों ही examples provide किए हैं. सबसे पहले अगर definition wise बात करें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट और इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना पॉसिबल है देन करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का टाइप कंसीडर करेंगे एज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है या स्टेट को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं देन करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हुआ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. दोनों में डेफिनेशन पार्ट किए फर्स्ट केस. इस केस में म्यूटेबल का एग्जांपल प्रोवाइड किया हमने बाय यूजिंग एम्प्लॉय क्लास. एम्प्लॉय क्लास का सपोज अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो एम्प्लॉय क्लास के केस में मेमोरी एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म होगा आईडी और नेम. देन कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू पास क्या हो जाएगा आईडी और नेम लाइक दैट क्लियर. ठीक है कंसोलिडेट करो इस केस में आईडी और नेम का टाइप क्या है एज अ प्राइवेट. मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नॉट अ म्यूटेबल. मींस फर्स्ट एग्जांपल इसका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं कोई क्लास प्रोवाइड करता हूँ एज अ सैम्पल क्लास और सेपरेट क्लास. सैम्पल क्लास के अंदर मैंने क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विद गिवन लॉजिक्स. मैं जस्ट सीडो कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इस केस में. इस पर्टिकुलर केस में सपोज मैंने क्रिएट करा है ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई. देन एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया. कंस्ट्रक्टर्स में सेपरेटली डिस्कस करूंगा अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपके पास बेसिक आइडिया अवेलेबल जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग सी प्लस प्लस. आई डी के साइन आई डी असाइन किया 10 प्लस नेम असाइन किया एज अ राजू. देन जैसे इस केस में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ देन हीप मेमोरी में इमीडिएटली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास. एज्यूम करो इसका एड्रेस 100 है प्लस इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में न्यू कीवर्ड के थ्रू मेमोरी एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म हुआ आई डी एंड नेम बिकॉज आई डी एंड नेम इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स. आई डी एंड नेम क्लियर. देन आई डी के केस में कंस्ट्रक्टर में क्या पास हो रहा है 10 सबसे पहले नंबर में असाइन होगा नंबर की वैल्यू 10 होगी. इस नंबर का वैल्यू 10 है देन सेम वैल्यू असाइन किस में जाएगा आई डी में. तो फाइनली आई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 10. सेम है राजू किस में पास हो रहा है एन और एन का वैल्यू असाइन किस में हो रहा है इन साइड नेम. करेस्पॉन्डिंग नेम क्या असाइन हो रहा है एज राजू. देन करेंटली सो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या म्यूटेबल और इम्यूटेबल चेक करो इस केस में. एक बार आपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया देन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी करा लिया 10 और राजू से देन इन फ्यूचर कहीं भी सो ऑब्जेक्ट के केस में आईडी या नेम का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल आपके लिए. अगर इस केस में आईडी या नेम का किसी भी डेटा मेंबर का अगर वैल्यू मॉडिफाई करना पॉसिबल है देन ऑब्जेक्ट कैसा होगा इस केस में ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हुआ म्यूटेबल. अगर वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं देन इम्यूटेबल. चेक कर सकते हो इस केस में आईडी और नेम को डिफाइन किया है एज अ प्राइवेट और प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड क्लास एक्सेस करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल. अगर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं देन अगर मैं इस केस में राइट करता हूँ ई डॉट आई डी इक्वल्स टू 11 इज इट वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड क्योंकि प्राइवेट मेंबर आउटसाइड क्लास एक्सेस करना पॉसिबल नहीं देन इस केस में रेज क्या होगा कंपाइल टाइमर. मीन्स फाइनली इस केस में ऐसा कोई भी अप्रोच नहीं जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के जस्ट बाद कभी भी आपके लिए ना ही आईडी चेंज करना पॉसिबल ना ही नेम चेंज करना पॉसिबल. बट सपोज अगर मैं इस केस में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ वन मोर ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉई एफ इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई देन असाइन करा नेक्स्ट टाइम मैंने 11 और समथिंग राज. देन सेकेंड केस में मीन फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट का एड्रेस केस में असाइन हुआ था ई में. सेकेंड टाइम अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन मेमोरी एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म होगा आई डी और नेम. देन आई डी में नेक्स्ट टाइम क्या असाइन हो रहा है 11 नेम के केस में क्या असाइन हो रहा है राज प्लस ये ऑब्जेक्ट पॉइंट किसके थ्रू हो रहा है एफ के थ्रू. चेक करो इस केस में जब आपने 11 और राज सप्लाई किया तो सेम ऑब्जेक्ट को चेंज करा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट. अगेन राज वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद भी अगेन इस ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल है क्या नहीं. मीन्स एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है देन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के जस्ट बाद अगर वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं देन करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा इम्यूटेबल. तो इस केस में करंटली एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड केस में चेक करते हैं अगेन
सेकेंड केस के केस में अगर मैं सेकेंड केस टेस्ट करूंगा विद सेम कोड, सेम सैंपल कोड, सेम कोड अप्लाई कर रहा हूँ अगेन विद एम्प्लॉय, लेकिन इस केस में एम्प्लॉय के केस में कॉन्सेंट्रेट करो, आईडी का टाइप मैंने डिफाइन किया प्राइवेट, इसका मतलब आईडी आउटसाइड क्लास एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। नेम का टाइप क्या, पब्लिक, पब्लिक मेंबर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सेम एज आईडी के लिए आईडी का वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने सेपरेटली सेटर मेथड प्रोवाइड किया, सेट आईडी, सेट आईडी जब भी कॉल होगा इसमें जो भी आप नंबर पास करो नंबर किस में सन हो जाए आईडी में, इस केस में आईडी को भी चेंज करना पॉसिबल और नंबर को भी चेंज करना पॉसिबल। अगेन सपोज दैट मैंने अगर फिर से एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आप किस कोड के लिए क्रिएट करा रहे हैं, गिवन कोड, इस केस में चेक करते हैं एम्प्लॉय क्लास किस टाइप के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं राइट डाउन करता हूँ ई डॉट आईडी इक्वल्स टू 12, वैलिड और इनवैलिड, आईडी का टाइप क्या है प्राइवेट डेटा मेंबर, इसलिए असाइनमेंट कैसा है इनवैलिड, लेकिन सेम केस आपके पास आईडी को इनिशियलाइज करने के लिए अदर इंटरफेस क्या है, सेटर मेथड कॉल्ड है सेट आईडी। अगर मैं 12 पास करता हूँ सेट आईडी के अंदर, जब ई डॉट सेट आईडी मेथड कॉल होगा तो आईडी में आर्गुमेंट क्या पास किया मैंने 12, ये 12 किस में आसान हो जाएगा नंबर में, देन नंबर का वैल्यू 12 है, सेम वैल्यू आसान किस में हो जाएगा आईडी में, तो आईडी का न्यू वैल्यू क्या हुआ इस केस में 12, मीन्स एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 10, अब न्यू वैल्यू क्या 12, मीन्स इस केस में आईडी को चेंज करना पॉसिबल है थ्रू सेटर मेथड। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट का टाइप क्या, चेंजेबल और नॉन चेंजेबल, चेंजेबल ऑब्जेक्ट, चेंजेबल मीन्स म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। प्रीवियस केस में मैंने सेम क्लास इंप्लीमेंट किया था एज अ इम्यूटेबल, सेकेंड केस में इंप्लीमेंट किया एज अ इम्यूटेबल, मीन्स इम्यूटेबल या म्यूटेबल क्लास लॉजिक्स इंप्लीमेंट करके यूजर के लिए भी क्रिएट करना पॉसिबल है। सेम एज नेम की बात करें e डॉट नेम इक्वल्स टू राहुल, अगर मैं इस केस में न्यू नेम सप्लाई कर रहा हूँ देन नेम को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक, तो नेम का भी न्यू वैल्यू कैसा हो जाएगा राहुल, मीन्स इस केस में ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना पॉसिबल, इसलिए ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है म्यूटेबल, प्रीवियस केस में टाइप क्या था इम्यूटेबल, क्लियर। इस टाइप से लॉजिकली किसी भी क्लास को म्यूटेबल या इम्यूटेबल बनाना पॉसिबल है।